लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में जाना था, इस लेक्चर में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जानेंगे। जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन किए थे तो जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने डिफाइन किए थे और वो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स थे। उन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन थे उनके जो इन्वर्स होते हैं वो हमारे होते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और जो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो किसी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में डिफाइन होते हैं। तो ये जितनी जो भी साइन एक्स और कॉस एक्स की जो डोमेन होती है उसे पूरी डोमेन में डिफाइन नहीं होते, ये किसी पर्टिकुलर डोमेन में डिफाइन होते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वो सुपर स्क्रिप्ट -1 लगा देते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। तो ये साइन पे सुपर स्क्रिप्ट आ गई -1, ऐसे ही कॉस पे सुपर स्क्रिप्ट आ गई -1 और ऐसे ही टेन पे सुपर स्क्रिप्ट आ गई -1। अब ये साइन इनवर्स कॉस, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का मतलब क्या है? तो मान लो कंसीडर करो कि एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो कोई थीटा जो एंगल है उसका जब हम साइन ले रहे हैं तो वो एक्स वैल्यू आ रही है। अब उल्टा देखो कि कोई एक्स है उसका हम कुछ ऑपरेटर ले रहे हैं, अभी थोड़ी देर के लिए इस साइन इनवर्स को हम ऑपरेटर बोल देते हैं, कुछ ऑपरेट ऑपरेशन लगा रहे हैं एक्स पे, तो वो थीटा के बराबर आ रही है वैल्यू। तो उसी ऑपरेटर को हम जो हम उस ऑपरेशन लगा रहे हैं उस पे और उस ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमारी वैल्यू आ रही है वो आ रही है थीटा, और उस ऑपरेशन को लगाने के लिए जो हमें ऑपरेटर चाहिए उसी को हम बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स। तो ये थोड़े उल्टे और सीधे कनेक्टेड हैं, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, और जब हम थीटा को जब एक्स की तरफ भेज देंगे तो हम थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज होती हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, क्या प्रॉपर्टी होती है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड साइन साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, प्रोवाइडेड थीटा जो होना चाहिए वो -π/2 से π/2 तक होना चाहिए। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि हमने बोला, पहले ही बता चुका हूँ कि जो डोमेन जो हमारा साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, जो हमारे इनवर्स फंक्शन डिफाइन होते हैं वो किसी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में डिफाइन होते हैं, तो इसलिए जो थीटा की वैल्यू है वो -π/2 से π/2 तक लाई करेगी और एक्स की वैल्यू है वो -1 से 1 तक लाई करेगी। अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा थीटा एंड कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, प्रोवाइडेड थीटा जो है वो 0 से π और एक्स जो है वो -1 से 1। तो इसमें थीटा 0 से π है और एक्स जो है वो -1 से 1 है। अब जो नेक्स्ट है वो टेन इनवर्स टेन थीटा, तो टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा और टेन टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसमें भी सेम, जो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए वो -π/2 से π/2 होनी चाहिए और एक्स की वैल्यू -∞ से +∞ तक होनी चाहिए। अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, तो हम इसे साइन इनवर्स, अब 1 की जगह कुछ ऐसा लिखो जो किसी एंगल से रिलेटेड हो जाए, जैसे साइन में किस एंगल की वैल्यू 1 होती है, तो साइन में π/2 की वैल्यू 1 होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि साइन 5π/2 भी 1 होता है, साइन 5π/2 भी 1 होता है, वो हमने क्यों नहीं लिखा? वो हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो हमारी अभी जो मैंने थीटा की वैल्यू बताई थी कि वो कहाँ से कहाँ तक लाई करनी चाहिए, -π/2 से π/2, और जो 5π/2 है वो आगे उससे निकल गया, तो इसलिए हम यहाँ पर sin π/2 ही रखेंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा y = π/2। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब हम ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं।